नमस्कार, मैं सुनीता आप सबका अपने इस नए चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज सुनिए ड्रैकुला थी का द्वितीय अध्याय। और तेज एक मुसाफिर कांपते हुए स्वर में बोला, हाँ हाँ और तेज और तेज। और फिर सभी घोड़ों को और तेज हांकने का अनुरोध करने लगे। सहसा नीली रोशनी का तेज प्रकाश पुनः कौधा और लुप्त हो गया। यात्री भय से चीख पड़े, साथ ही वे सीने पर क्रॉस बनाते हुए प्रार्थनाएं भी करते जा रहे थे। कोचवान पूरी शक्ति से घोड़ों को भगाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी ही देर में बग्घी एक बस्ती के निकट पहुंची। मैंने महसूस किया कि वहां पहुंचते ही यात्री बुरी तरह सहम गए हैं। मैंने उनकी ओर देखा तो सभी आतंक भरी दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखते नजर आए। मेरी ओर देखते हुए विचित्र इशारे कर रहे थे। साहब, सहसा कुचवन ने घोड़ों की रास खींचते हुए, हम बोगी द्वारा पहुंच गए हैं। ओह, मैं झटके से सीधा हुआ। मैंने अटैची संभाली। बस साहब, आपकी बग्घी नहीं आई, क्यों ना आप हम सबके साथ बुको भी न चले, सुबह आ जाइएगा, कुचवन बोला। जंगली रास्ते के इस तीखे वातावरण में अकेले रहना ठीक नहीं। क्यों, समय क्या हुआ है? 11 के आसपास का समय होगा। कोचवान ने लैंप की पीली रोशनी में मेरे चेहरे को यूं ही आशा भरी दृष्टि से देखा, जैसे मैं समय जानने के लिए उसके साथ बुकोबिना चल दूंगा। 11 बज रहे हैं अभी? जी हाँ, आज हम 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुंच गए। शेष समय तो 12 बजे आसपास यहाँ पहुंचना हो पाता है। खड़ 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 की अचानक इसके पूर्व ही मैं कुछ कहता एक पथरीले मार्ग पर स्वर उभरा, बग्घी आ गई, मैं बुद्ध बताया। मेरा ख्याल दुरुस्त था। चंद सेकंड के बाद ही एक आलीशान बग्घी आई और पथरीले मार्ग पर बढ़ती हुई निरंतर हमारी ओर बढ़ने लगी। लैंप की रोशनी में मैंने देखा बग्घी में 4 बढ़िया किस्म के घोड़े जुटे हुए थे। कोचवान की सीट पर बैठे व्यक्ति के शरीर पर उल्टे तवे की तरह काला था। चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर रखे हैट को उसने चेहरे पर झुका रखा था। यात्री उस बग्घी को देखते ही सहम गए। वे तेजी से सीने पर क्रॉस बनाने लगे। बग्घी रुकी, आज 11 बजे ही पहुंच गए मित्र, कोचवान ने मेरी गाड़ी के कोचवान को चुभती दृष्टि से देखते हुए कहा। जी हाँ, कोचवान खौफ से थर थर कांपने लगा। इन साहब को जरा जल्दी थी तो मैं यहाँ शीघ्र पहुंचाना चाहता था। तुमने ठीक कहा, शायद यही वजह थी कि जिसके कारण तुम इन साहब को बुको बिना जाने हेतु प्रेरित कर रहे थे। नहीं, कोचवान की कंठ से घुटी घुटी सी चीख निकली। भय से थर थर कांप उठा, फिर निर्दयता से मुस्कुराया। मेरे कान हवा से बातें करने वाले इन घोड़े से भी तेज हैं, मुझे इस प्रकार का धोखा नहीं दिया जा सकता, वह मुस्कुराते हुए सरसराते हुए बोला। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस किया। मुस्कुराते हुए उसके सफेद दांत चमक उठे। उन्हें देखते ही बरबस किसी शिकारी कुत्ते के दांतों की याद ताजा होती थी। उसके इन शब्दों की सुनकर कोचवान का डर कई गुना और बढ़ गया। साहब का सामान मुझे पकड़ा दो, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कोचवान हिला, उसने सामान आगे बढ़ाया। भारी भरकम व्यक्ति ने द्रुत गति के सामान पकड़ा और मुझसे बोला, आइए आप भी उतर आइए। मैं उतरा। उस व्यक्ति ने इतना अवसर भी नहीं दिया कि मैं अपने सहपाठियों से विदाई के कहे जाने की औपचारिकता निभाऊं। मैं आलीशान बग्घी की ओर बढ़ा। मेरे बैठते ही घोड़ों को जैसे एड़ लग गई थी। वे हवा से बातें करते बग्घी को उसी पथरीले रास्ते पर उड़ाए लिए जा रहे थे जिधर से आए थे, और मैं सिकुड़ सिमट कर बग्घी की लग रहे हिचकोलों में झूलने लगा। सामने उधर से आतिशबाजी सी छूटी, ठीक जैसे अनार फूट पड़ता है। असंख्य अंगारे हवा में उछले और स्थिर हो गए। मेरे कंठ से घुटी घुटी सी चीख निकलने को ही, किंतु मैंने उसे अपने कंठ में ही घुट जाने दिया। आंखें फैलती गई। भीतर तक सिहरते हुए मैंने कोचवान की ओर देखा, मुझे उसकी पीठ ही नजर आई। वह पूर्वतः ही घोड़ों को दौड़ाए लिए चला जा रहा था। अधर में बिखरे अनेकान अंगारों पर जैसे उसने ध्यान ही ना दिया हो। वे धरती से कुछ फुट ऊपर से लेकर 10-12 फुट की ऊंचाई तक हवा में स्थिर थे। कोचवान ने निर्भीक भाव से बग्घी अंगारों में प्रवेश करा दी। मैंने सोचा कि वह ठिठकेगा, घोड़े बिदकेंगे अंगारों को देखकर, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनेक अंगारे कोचवान का शरीर सहलाते हुए चले गए, किंतु कोचवान पर कोई फर्क ना पड़ा। उसके
अप्रभावित रहने के उस ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे वे अंगारे ना होकर गुलाब के फूल हों। बग्घी सकुशल उनके मध्य से गुजरती चली गई। तभी अनेक भेड़ियों के गुर्राने का स्वर उभरा। तत्पश्चात वह विलाप में परिवर्तित होता चला गया। मेरे सिरहन शरीर में सिरहन सी दौड़ती चली गई। अंगारों ने सहसा ही हरे रंग के शोलों का रूप धारण किया और बग्घी के इधर उधर चकराने लगे। कोचवान के इर्द गिर्द अनेक शोले लपलपा रहे थे, किंतु कोचवान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वह पूर्वतः घोड़ों को हांकता जा रहा था। मैं भय से सिहरता हुआ कोचवान के चौड़े शक्तिशाली कंधों की ओर देखता रहा। हम आगे बढ़ते रहे, शोले पीछे छूटते गए। सहसा मैंने अनुभव किया कि सर्दी आकस्मिक रूप से बढ़ गई है। मैंने कंबल अपने पांव पर फैलाते हुए शरीर के चारों ओर लपेट लिया। महाशय, सहसा कोचवान का खरखराता स्वर उभरा, यहाँ बहुत अधिक सर्दी है। स्वामी ने आपकी सेवा बेहतर से बेहतर करने के लिए कहा है। सामने की सीट पे के नीचे शराब की एक बोतल रखी है, आप प्रयोग में ला सकते हैं। मुझे हल्का सा संतोष हुआ। पीने की तो जरा भी इच्छा नहीं थी, किंतु शराब मौजूद है, यह विचार ही संतोषजनक है। भविष्य में इसका प्रयोग कर सकता था। सहसा मुझे विचित्र सी सिरहन का एहसास हुआ, एक भयपूर्ण सिरहन। ऐसा महसूस हुआ जैसे भय की चादर मेरे शरीर के इर्द गिर्द तेजी से लिपटती जा रही है। मैंने अपना आत्मबल संजोया, स्वयं को आश्वस्त किया, किंतु भीतर कहीं ना कहीं कपकपी मेरे वजूद को थरथरा रही थी। घोड़े बग्घी को द्रुत गति से दौड़ाए लिए चले जा रहे थे। बग्घी एक काली चट्टान के निकट पहुंची और ढलान वाले रास्ते पर उतर गई। मैं चौंक पड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बग्घी कोल्हू के बैल की तरह एक ही स्थान पर चक्कर काट रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखने की चेष्टा की, किंतु बाहर फैले नीम के अंधेरे के अतिरिक्त कुछ ना नजर आया। मगर मेरी आशंका सच भी तो निसंदेह कोचवान विलंब से मुझे काउंट तक पहुंचाने के चक्कर में था। तभी मेरे जहन में एक होटल की मालकिन का चेहरा उभरा, साथ ही वे शब्द कानों में बज उठे, आज की रात को समस्त दुष्ट आत्माएं व पिशाच जाग जाते हैं और बस्ती व जंगल को अपने शिकंजे में, और फिर उन मुसाफिरों की फुसफुसाहट। मैं भीतर ही भीतर कांप उठा। भय की इतनी तेज लहर मेरे भीतर उठी कि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। शरीर यूं कांपने लगा जैसे मुझे तेज बुखार हो। मैंने लाख चेष्टा की कि कोचवान से कुछ पूछूं, किंतु ऐसा ना कर सका, मुझसे स्वर ही ना फूट सके। खुश्क कंठ लिए कुछ पलों तक बैठा रहा। तत्पश्चात मैंने स्वयं को तेजी से नियंत्रित करने का प्रयास किया। सहसा निकट ही कहीं कुत्ते के भौंकने का स्वर उभरा और शिनय शिनय विलाप में बदलता गया। उसके रोना प्रारंभ करते ही अगल बगल चारों ओर अनेक कुत्ते गिगिया उठे। ऐसा लगा जैसे जंगल के सारे पेड़ कुत्ते की शक्ल अख्तियार करके रो पड़े हों। वातावरण भयानक हो गया, पूरा जंगल विभत्स तरह से लरजने लगा। घोड़े पहले तो पूर्वतः दौड़ते रहे, तत्पश्चात झिटकने उछलने लगे। सहसा निकट ही किसी चट्टान के पीछे से कोई गुर्राया भेड़िया, फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे भेड़िया कुत्ते से बढ़कर युद्धरत हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दोनों के लड़ने का स्वर उठा। उन भयानक आवाजों को सुनते ही घोड़े अड़कर खड़े हो गए। कोचवान ने चाबुक फटकारा, घोड़े हिले भी नहीं। नीचे उतरा, घोड़ों को पुचकारा, आगे को खींचना चाह, वे नहीं हिले। वे हिले, कोचवान पुनः अपनी सीट पर उछलकर बैठ गया। घोड़े सहमते सहमते अंदाज में आगे बढ़े, उनकी गति पहले की अपेक्षा कम थी। किट किट किट, सहसा भेड़ियों के दांत किटकिटा। सहसा भेड़ियों के दांत किटकिटाने का स्वर उभरा, घोड़े बिदक गए। मैं आगे पांव उछालते हुए एक दिशा में भागने को हुआ और घोड़े आगे पांव उछालते हुए दूसरी दिशा में भागे। बग्घी बुरी तरह डगमगाई, मैं भयभीत हो गया। मन ही मन उन पलों को कोसने लगा जिस पल मैं यहाँ के लिए रवाना हुआ था, किंतु तभी कोचवान एक लंबी छलांग के साथ घोड़ों के बीच जा कूदा। मैं उसके साहस पर दंग रह गया। अंधेरे में मैंने महसूस किया कि वह चारों घोड़ों से भिड़ा हुआ है। चंद पलों बाद घोड़े शांत हुए, कोचवान विजयी रहा। उसने प्यार से घोड़ों को थपथपाया, वे बेमन से आगे बढ़ चले। आगे चट्टानों का सिलसिला समाप्त हुआ। बग्घी के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। अब भी भेड़िए व कुत्तों की गुर्राहट का स्वर उभर रहा था। ऐसा लगता था जैसे बग्घी उनसे घिरी हुई हो और वे आगे बढ़ रहे। तेज सर्दी के बावजूद भी मैं थरथर कांप रहा था और शरीर पसीने से तरबतर था, किंतु
कोचवान पर कोई फर्क नहीं था। कोचवान पहले की भांति ही भगाए जा रहा था बग्घी को, जैसे उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। आगे जंगल घना था, किंतु इस वक्त बग्घी जहां से गुजर रही थी, जहां कुछ अजीब सी जगह थी, आगे घना जंगल था, किंतु उस इस वक्त बग्घी जहां से गुजर रही थी वो जगह कुछ अजीब थी। पेड़ों की बात तो दूर, कोई वनस्पति भी वहां उगी नहीं थी। हल्की चांद की रोशनी में मैं डरी डरी दृष्टि से खिड़की के बाहर देख रहा था। बग्घी जंगल के निकट पहुंची, सहसा फिर से नीली रोशनी का झमाका हुआ। मैं झुक पड़ा। मैंने बाईं ओर खिड़की की इधर देखा जिधर से रोशनी आ रही थी। घने जंगल के बीचों बीच से नीली तेज रोशनी की एक मोटी वक्र रेखा उधर से लटकी थरथरा रही थी। मैं स्तब्ध सा अभी रोशनी की इस कांपती रेखा की ओर देख ही रहा था कि कोचवान द्रुत गति से नीचे कूदा और दौड़ते हुए घने जंगल में जाकर गुम हो गया। इधर तक बुरी तरह सिहर उठा, दिमागी मशीनरी ठप पड़ती गई, पूरा शरीर पसीने से भीग चला। स्पष्ट था कि ये एहसास कि मैं जंगल में अकेला हूँ मेरे होश उड़ाए दे रहा था। ऊपर से भेड़ियों व कुत्तों की मिली जुली चीतकार आवाजें वातावरण भयावह बना रहा था। मैं जितना ही सोचता उतना ही साहस की पीठ पर से मेरा हाथ सरकता महसूस होता। तभी मैंने महसूस किया कि भेड़ियों के चीतकार प्रतिपल नजदीक आ रहे हैं। मैं सिहर उठा। नीली रोशनी की रेखा आसमान में लुप्त हो चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तभी सहसा मुझे कोचवान आता दिखाई दिया। मेरी रुकी हुई सांस चली, वह घोड़ों के निकट आ गया और उन्हें प्यार से सहलाने लगा और मैं स्टैचू बना देखता रहा। वह कहां व क्यों मुझे अकेला छोड़ गया था पूछने की हिम्मत ही ना हुई। वह आकर अपनी सीट पर बैठा, राज संभाली और फिर बग्घी आगे बढ़ी। जो घटनाएं घट रही थी इतनी अस्वाभाविक व रहस्यमय थी कि मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा। और फिर सहसा बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ के कतरे वहां मौजूद पेड़ों के पत्तों पर पड़कर फिसलने लगे। तब तक बग्घी जंगली इलाके में प्रविष्ट हो चुकी थी। सहसा नीले प्रकाश की एक रेखा पुनः लहराई और जंगल का दूर तक का हिस्सा रोशनी में नहा गया। दिमागी मशीन पुनः डगमगाने लगी। कोचवान ने रोशनी देखी और पुनः वही हरकत की। वह गोरिल्ले की तरह कूदा, चीते की तरह दौड़ता हुआ जंगल में घुस गया। यकायक मैंने महसूस किया नीली रोशनी की रेखा पेड़ों के झुरमुटों में से होते हुए आगे बढ़ रही है। भय से कांप उठा, कंठ खुश्क हो गया। नीली रोशनी का दायरा बग्घी की ओर बढ़ रहा था। मैं खौफ से थरथराते हुए अपनी ओर बढ़ते हुए देखता गया। प्रकाश रेखा बग्घी से थोड़ी दूर पर आकर ठहर गया। तभी कोचवान लौट आया। चंद पलों तक वह चुपचाप खड़ा रहा, तदोपरांत प्रकाश रेखा व बग्घी के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। प्रकाश रेखा उसके पीछे छुप गई। अचानक मैं हतरप सा बैठा देखता रहा। अचानक मैंने महसूस किया कि कोचवान का भारी भरकम शरीर पारदर्शी हो रहा है, ठीक कांच जैसा। दूर कहीं किसी भेड़िए के चीतकार की आवाज सुनाई दी। कोचवान का शरीर पूरी तरह पारदर्शी हो गया, इस प्रकार कि नीला प्रकाश की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी और कोचवान शीशे के आदमी के रूप में परिवर्तित होता हुआ मुझे दिखाई दिया। रोशनी विलुप्त हो गई। कोचवान फिर अपनी सीट पर आ जमा। मैंने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी पीठ में देखा, यूं जैसे शीशे की किसी परत की तलाश कर रहा हो, किंतु वह कुछ नहीं था। उसकी पीठ पहले जैसी ही थी। उसने बग्घी आगे बढ़ाई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ पल पहले का दृश्य या तो मेरी दृष्टि का भ्रम था या अमावस्या की रात में देखा गया कोई दुःस्वप्न। ऐसी अनेक रहस्यमय घटनाओं से दो चार होता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। बहुत देर बाद कोचवान ने बग्घी रोकी, अपनी सीट से धरती पर कूदा और अब तक मैं कुछ समझता हुआ दौड़ता हुआ सामने के जंगल में फिर से घुस गया। मैं अवाक, बिना किसी कारण उसके भागने का सबाब मुझे समझ में नहीं आया और मैं प्रतीक्षा करने लगा। चारों घोड़े जोर से हिनहिनाए, साथ ही वे अपने पांव यूं हवा में उछालने लगे जैसे बग्घी के से आजाद होना चाहते हो। मैं चौंका। घोड़ों की इस हरकत से बग्घी बुरी तरह हिल रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी चांद पर से बादल के टुकड़े हटे, शीतल व हल्की रोशनी फैल गई। भेड़ियों की आवाजें आकस्मिक रूप से शांत हो गई, कहीं कोई स्वर नहीं, पूर्णतया निस्तब्ध वातावरण। मैंने सिहरते हुए बाहर दृष्टि डाली तो मेरी सांस जहां की तहां रुकती चली गई। चेहरे पर खौफ के बादल मंडराने लगे। खूनी भेड़ियों का एक झुंड बग्घी को घेरे हुए था।
वे दबे पांव अपनी चमकीली आंख बग्घी पर जमाए पल प्रतिपल अपना घेरा तंग करते चले गए। मेरी गिग्घी बन गई। मैंने चीखना चाहा किंतु कंठ साथ ना दिया। स्वयं को होश में रखना चाहा तो मस्तिष्क में बेहोशी छाने लगी। मैं अपनी जुबान लपलपाते हुए दांत चमकाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आकस्मिक खामोशी का राज अब मेरी समझ में आया। वे एकदम बग्घी के करीब पहुंचे। भय की अधिकता से मुझे गश आ गया। बार बार पसीने से नहाता मैं बस बेहोशी आने वाला था कि फिर कोचवान जैसे जादू के जोर से प्रकट हुआ। दौड़ता हुआ बग्घी की ओर आया और भेड़ियों की कतार को उसने एक ही छलांग में पार किया और फिर बग्घी के निकट पहुंचा। उसका दायां हाथ हवा में उठकर विशेष मुद्रा में हिला। भेड़ियों की आंखें सिकुड़कर गोल हो गई, ठिठके। कोचवान ने पुनः हाथ लहराया। वे पीछे हटने लगे। उनके सिर झुक गए। आंखों में तैर रही खूनी चमक विलुप्त हो गई। मैं दंग रह गया। तभी एक बादल का टुकड़ा आया और चांद उसके पीछे जा छुपा। पुनः वही अंधेरे का साम्राज्य। कोचवान उछलकर अपनी सीट पर बैठा। बग्घी पुनः आगे की को रैंक चली। स्पष्ट था उस समय कोचवान मेरे लिए संसार के आठवें आश्चर्य से कम न था। उसकी कार्य प्रणाली ने साबित कर दिया कि वह साधारण मानव ही नहीं है वरन अद्भुत अमानवीय अलौकिक शक्ति का स्वामी है। वो शक्ति जिसके सामने भेड़िए भी अपना सिर झुकाते हैं। मैं रास्ते भर सोचता रहा। बग्घी चलती रही। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद सहसा बग्घी नीचे की ओर यूं उतरने लगी जैसे सुरंग में जा रही हो। आगे उबड़ खाबड़ मार्ग था। मैं सफर व घट रही घटनाओं से निढाल सा अर्ध चेतन स्थिति में जा पहुंचा। काफी समय बाद मुझे होश आया। मैंने पाया मैं एक विशाल महल के निकट पहुंच गया हूं। मेरी जान में जान आई। अब मेरी मंजिल आ चुकी थी।